हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। एशिया कप 2023 30 अगस्त से शुरू होगा। एशिया कप शुरू होने से पहले श्रीलंकन क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है। दो ज़बरदस्त खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव आए हैं। कुशल परेरा, अविष्का फर्नांडो, दो ज़बरदस्त बल्लेबाज कोविड पॉजिटिव आए हैं। आने वाले दिनों में उनका फिर से टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल श्रीलंकन क्रिकेट के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि अब सब खिलाड़ियों का फिर से टेस्ट किया जाएगा। ये श्रीलंकन क्रिकेट के लिए बहुत ही खतरे की खबर है। आप देखने वाली बात होगी 30 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप में श्रीलंका इन दो खिलाड़ियों के साथ एशिया कप में उतरेगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये बुरी खबर श्रीलंकन क्रिकेट के लिए कि दो ज़बरदस्त बल्लेबाज कुशल परेरा, अविष्का फर्नांडो, ज़बरदस्त बल्लेबाज इस एशिया कप में देखने को मिलेंगे। वो दोनों खिलाड़ी पॉजिटिव निकले हैं। अब आने वाले दिनों में उनका फिर से टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद अगर वो नेगेटिव आते हैं तो फिर वो टीम के साथ जुड़ेंगे। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि दो ज़बरदस्त बल्लेबाज उनके इस समय के अच्छे बल्लेबाज है, एशिया कप में ज़बरदस्त मदद देंगे, लेकिन फ़िलहाल कोविड पॉजिटिव हैं।